अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम आज का दिन आपके नाम के साथ मैं हूँ रुबीना मुगल। और आज का हमारा दिन जिस शख्सियत के नाम है वो है वज़ीरे ज़राअत और लाइफ स्टॉक। मैं बात कर रही हूँ सैयद बाज़ल अली नकवी की। तो व्यूअर्स, आज का हमारा दिन उनके साथ गुजरेगा, हम अपना दिन उनके साथ गुजारेंगे और पूरा दिन ये देखेंगे कि वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो वो शाम तक करेंगे उनमें आज हम उनके साथ रहेंगे। तो आइए चलते हैं। तायरा की कयादत में सुबह सवेरे बाज़ल नकवी और जयालों की एक बड़ी रैली पंचकोट की तरफ रवाना हुई। रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पटिक्का, देवलियाँ, ददड़ियाल, परला, नुसद्दा, कनूर और पंचकोट के दफातर का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां कमर ज़मान कायरा सैयद बाज़ल अली नकवी ने कनूर और पंचकोट के मकामात पर बड़े जलसों से खिताब किया। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने 21 जुलाई को यह फैसला करना है कि कश्मीर के लोगों के मुस्तकबल का फैसला मोदी के यार ने करना है या उस शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो के बेटे ने, जिस बेनजीर भट्टो को जब दुबई दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने कहा कि पाकिस्तान ना जाओ तुम्हारी जान को खतरा है, तो मेरी कहे शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने कहा कि हमने रुक नहीं सकती, कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों से मेरे भाई मेरे इस्तकबाल के लिए कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, कॉर्नर मीटिंग के बाद अब हम बाज़ल नकवी के हमरा हल्का दो लचराट के इलाका पंचकोट की तरफ जाएंगे। आइए चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपके मंडेट ने आपने जो एतमाद मुझे दिया, अल्लाह के फजल करम से हमने पूरी कोशिश की आपके एतमाद पे पूरा उतरने की। सड़कें बदलाए तो बाज़ल नकवी
कानून बनवाए तो बहादुर नकवी, कानून बनवाए तो बहादुर नकवी, आपके तालीमी इदारे बनाए तो बहादुर नकवी, अब वोट मिलेंगे तो भी बहादुर नकवी को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। पर इस वक्त कॉर्नर मीटिंग जारी है और इस कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है जो अपनी पार्टी को अपने उम्मीदवारान को जिताने के लिए बहुत ही जोशो खरोश से पार्टी से मोहब्बत का इजहार कर रही है। रास्ते में भी आपने देखा किस तरह से कारकुनान ने जोशो खरोश से बादल नकवी और कमर जमान कायरा का इस्तकबाल किया। व्यूअर्स, इस हल्के के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताती चलूं, ये हल्का गढ़ी दुपट्टा से पंचकोट तक फैला हुआ है और कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। व्यूअर्स, इस वक्त कॉर्नर मीटिंग जारी है और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बादल नकवी साहब और आपने देखा कि आज का हमने जो पूरा दिन हमारा था इनके साथ गुजारा, इनके साथ हम यहाँ से कनूर और पंचकोट गए जहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स का अहतमाम किया गया था। वहाँ पर कारकुनान का जोशो खरोश हमने देखा, इसके अलावा हमने बादल नकवी की मसरूफियात देखी पूरा दिन की। वैसे तो हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक हमने इनसे फील्ड में ही क्वेश्चन पूछने थे, लेकिन इलेक्शन की अफरा तफरी है और इनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा रहीं कि इनको हमारे लिए यूँ कह सकते हैं कि टाइम नहीं बचा कि फील्ड में हमारी इनसे बात हो सके, तो इसलिए हमने इनको अब अपने स्टूडियो में बुलाया है। जी व्यूअर्स, अब हम इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में और इनकी जो अफरा तफरी है इलेक्शन की उसके बारे में उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि जो पीपल्स पार्टी का 5 साला दौरे हुकूमत रहा है उसकी कारकर्दगी के बारे में बताइए। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीनन पीपल्स पार्टी की जो 2011 में हमने जो इंतखाबी मंशूर दिया था उस मंशूर के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल अपग्रेडेशन, हेल्थ की सहूलतें और मवासलात का निज़ाम बेहतर बनाने की हमने बात की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे आज़ाद कश्मीर की तरह मैं मुजफ्फराबाद जो अलका लछराट है उसकी बात स्पेशली आज करूँगा। जो इंतखाबी मंशूर में हमने मेडिकल कॉलेज की बात की, अवाम ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज कायम किए, वुमेन यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया, आईटी यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया और अब मीरपुर के अंदर एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी जो उसकी बुनियाद रखी। तो ये सारी चीज़ें कश्मीर लेवल पे हुई। जो लछराट के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात थी, बेरोज़गारी का खात्मा जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त लछराट के अंदर, तो जब मुझे पार्टी की जानब से गवर्नमेंट के अंदर एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट दिया गया तो मैंने एग्रीकल्चर के अंदर भी और लाइफ स्टॉक के अंदर भी बिला सूद कर्ज़े दिए लोगों को, अपने आज़ाद कश्मीर की तरह अपने हल्के के लोगों को भी दिए ताकि वो अपने बिजनेस वगैरह शुरू करके बेरोज़गारी का खात्मा जो है उस पर कंट्रोल, बेरोज़गारी पे कंट्रोल डाल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स के वाले से भी मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी का सारे मीडिया सारे लोगों को पता है कि समुंदर है, उसके बावजूद अगर किसी भी हल्के में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला तो वो हल्का 2 के अंदर लछराट के लोगों को अल्लाह के फजल करम से मिला।
और तामीर और तरक्की की जहाँ बात करें हम, तो तकरीबन 450 के लगभग मैंने अपने हलका इंतखाब में पक्की या कच्ची सड़कात जो हैं वो बनाई। और ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के 5 साल में आज़ाद कश्मीर के किसी भी हलके में सबसे ज़्यादा सड़कात के अगर जाल बिछे हैं तो वो हलका लछराट के अंदर।